अच्छी वीडियो दिखावण कण कितनी मेहनत करे ने यार, सारी मेहनत को देखो तो सही। सारे चैनल सब्सक्राइब करो यार सारी। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आज सफर तक रहंदे पे आगाज ते नाल नाल रवाय वीडियो मुकम्मल लिखा है थाको इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे जे रहे रस्ते ते खूबसूरत मनाजर देखण को मिल सन सारे केपी के दे एरिया को थींदे पंजाब, पंजाब को पता नहीं किथां किथां किथे जी तक पहुँचो सारा माहौल दिखेसूँ। तो शॉर्ट वीडियो जे शॉर्ट इसे थाको वीडियो मिल सन इंशाल्लाह। एंड बाद उर्दू शॉर्ट ते सरेकी अपना विलाग जी। ओके जी, वीवर इतना एक डेस्टिनेशन ते पहुँचे इतों अस गड्डी का फ्यूल अप कराए जन के पेट्रोल पवाया से ते हुन करे सफर का आगाज। सफर के हौले हौले क्लिप थक दिखे सुना दे। ए जी इस पंप का खूबसूरत मनाजर, ए पंप है जी सामने देखो पहाड़ियाँ उतू मी झाड़ा और बदल बना खड़ा है। टाइम थींदा पे हाले सवेरे छी छी थींदे पे तो लोग कम कर हूँ वेंदे पे ए ट्रैक्टर ना हाले अपना जो ना फ्यूल यो आप बनाने पे जान के टैंक बनाने पे। कार के इंटीरियर की मैं न बने सा क्योंकि मेरे नाल फैमिली वही है ना, इस वजह को इंशाल्लाह तो सफर की मुकम्मल वीडियो देवन की कोशिश करे सना। माहौल चेक करो जरा, व्यूअर सीन चेक करो। ए जी चश्मा लेके ये झील हैं सारियाँ ते असा पहुंचे हैं जी ए चश्मा बिराज के करीब। असा हूँ तकरीबन रवाना थे पे इतों वैसे सीधा मियाँ वाली तो मियाँ वाली को लगा ये रहे सी पैक मोटर को। रात बारिश आई है तो इधर मकसद है सारा जो रहे अलहमदुल्ला सफर आसान थी वाला है मज़दार थी वाला है। सीन बहुत ज़्यादा प्यार है व्यूअर मेरे नाल इन मामू कयूम। हाल सुनाओ कितना तैयारी है? ठीक ठाक जी। ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਪਿੰਡੀ ਬੜੇ ਜਿਆਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰਾ ਦਿਵਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮਰੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਜਿਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਫਿਰੈਸੂ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸੋਹਰ ਕੋ ਵਾਪਸ ਥੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਵਰ ਕਰੇਨੇ ਸਫਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਰੇ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਵੀਵਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਾਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ
ते शदीद बारिश शुरू है देते पे झड़ी दे रही है ना इस पास इस साइड को ले लेकिन हवा दे रुख दी वजह को बारिश है ता ए तो वीवर जी मैं कहते थे पे हो ना ये ओ दीनिक तकड़े सामने लेकिन बारिश भी है ता दुआ करे अल्लाह पाक के रहना सफर खुशगवार सारा करे ता चलते हैं सफर ते अगला जे रहे सी पैक ते जे या मियां वाली चिंटर थी सुन तो थोको बने सुबह सा मियां वाली चिंटर था सोने धरती मियां वाली पहुंच गए ते वीवर्स इथून अगा सफर दा आगाज करे सो अगु सी पैक आवे सी ते सी पैक वैसो ते ए जी मियां वाली दा मशहूर जहाज चौक ते जेरे वीवर हिन सारे मियां वाली दे सारा नु सलाम थिया ते नवे जेरे दे दे पैन मियां वाली दे सारा नु गुजारे से साडा चैनल सब्सक्राइब करो चा थोड़े वसेब दे बने हैं ते अपने कल्चर को गांव को प्रमोट कराने वाले वीडियोज होने सारे ते वीवर जिमें कि दे पे जहाज चौक ते ए सारी डेस्टिनेशन सामने असं की से वीवर सी पैक ते चढ़ गए अलहमदुल्ला ते अपने सरब सरब दादा सफर दी तरफ गामजन थी गए ते ए सारी डेस्टिनेशन रह गई है तकरीबन 244 किलोमीटर ताम नाल रवा है इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखने तो थोको दिखाई सुरांदे सारे हालात तो वाकयात माहौल वीवर तकरीबन इस्लामाबाद सारे को रह गए 60 किलोमीटर असा जे रहे इत एक बात जे रहे खड़े चुप जे रहे फ्रेश मरेश थी मन को पानी शानी पीने है ते बात सफर तो थीने रवाना वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह असा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं इस्लामाबाद के पिंडी पहुंच गए हैं ए मार्ट ले तो पे तक के एफसी ये तक अच्छा खांदे पीने है तो कोई मामा हाल लो इन ते आवड़न घर वाले खड़े हैं सामने वीडियो दे बना की मेरी है सफर सफर बहुत जबरदस्त रही है हैं बड़ा मजा है अच्छा मौसम बहुत मजेदार नहीं मौसम बहुत जी हां इंशाल्लाह तो सफर महसूस ही नहीं थिया हां अले तो डा है हां सब वही दोबारा वो तो पहले ना तो इसलिए ठीक है अनाया बेटा किधर हो इतना के आईफोन का रिजल्ट ही बात है कच्चे तो आईफोन नहीं मैं लगता ये आईफोन है भी नहीं हैं सिग्नल जो क्वालिटी लेवल ये रहे ना वीडियो जी वीवर असा दाखिल थी दे पे इस्लामाबाद ही ते ता कजू मामा तुसा वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है जी करें दे बा बस बंद कर चके जी मामा वीवर माहौल चेक करो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह असा पहुंच गए हूं इस वक्त असा पहुंचे शकरपड़ियां ते शकरपड़ियां दे के माहौल है थाकू सारा दिखाए सु इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखना वीवर इस वक्त असा आया वदे हैं शकरपड़ियां ते क्या माहौल है क्या सीन है चेक कर के सारा विजिट है शकरपड़ियां दा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम पाकिस्तान मोनुमेंट जे नवा बड़ा है ना शकर पड़ियां दे जी हां तो सामने अजब घर भी है जी हां बस उस जात सैर करेंगे ओके जी हां बड़ी खूबसूरत नजारे हैं जी हां बारे में बता उम्मीद करेना तो सारे ठीक हो तो नए दोस्तों को गुजारिश है सारे चैनल सब्सक्राइब करें तो आज तो बहुत मजेदार मजेदार चैनल कहने पाकिस्तान की खूबसूरती असन तो कई जरे ये देखे जी ये है म्यूजियम म्यूजियम कह रहे पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम ये जी ना दी अपना आज आने वाले बेहतर कल पर वीवर तो वेदर चेक करे तलु ए सीन चेक कर सी ये शकर पड़ी आंदे जी सीन क्या सीन आवाम ने देखो सीन चेक करो सीन ये शकर पड़ी आंदे जी सीन क्या सीन आवाम ने देखो
व्यूअर हूँ चेक करो हूँ। आए हाय इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा नज़ारा मैं तो जिंदगी की नहीं देखा। पता नहीं ये शियाँ देखने को रह गए हैं यार। एक दफा पाकिस्तान तुसा विजिट तो करो, थोको पाकिस्तान बहुत मजा सी। इनते देखो अनपारे बने हुए ज़्यादातर। ये एक अलग किस्म का, ये मैं दादा इसी च फुहारे आ रहे सिस्टम। तो ये देखो वाओ क्या सीन है जी, क्या सीन है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। व्यूअर हूँ चेक कर हूँ ध्यान क्या सीन है। ये हूँ तू देखो सीन चेक करो, आए हाय चस आ गई चस। आईफोन ते जल्द एडिटिंग थी, आए हाय आईफोन दे पैसे भी अदा थी गए सन, इस सीन ना हक अदा थी गए। फाकू अच्छे को अच्छे वीडियो दिखावन कन कितनी मेहनत करेने हैं। तो यार सारी मेहनत को देखो तो सही, सारे चैनल सब्सक्राइब करो यार, सारी रहना सपोर्ट करो, थैंक्स। ये व्लॉग विजिट करें पियाँ थोकू, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है जी। आओ जी ये जिन व्यूअर सारे जवान सारे वतन अजीज के पिछू जान कुर्बान करने वाले, तो इन्होंने थोकू मैं मुकम्मल जी रहना सही वीडियो बना के रखना। सुमन शहीद लंग ये सारी पाकिस्तान की पहले जी यार अफिसर है कैप्टन मुबीन ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल, बहुत अच्छे बंदे थे पर कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। ये विंग कमांड नुमान है और इनके जो कमालात थे ना बस। व्यूअर हूँ सीन चेक करो, व्यूअर हूँ सीन चेक करो, सामने इस्लामाबाद है। क्या सीन है जी व्यूअर, सीन चेक करें जरा क्या सीन है यार। ये भाई आया है इनसे हम जो है ना वो फोटोग्राफी करवा रहे हैं। यहाँ सामने शहीदों का जो बोर्ड लगा है तो हम भी यादगार बनाने के लिए फोटो बनवा रहे हैं। इंशाल्लाह व्लॉग बहुत अच्छा होगा, आपने पूरा देखना है। अच्छा व्यूअर्स ये आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा दस ये देखो ना फुटप्रिंट इन अलग अलग ये हर दिन बिलाल रिजवान मुख्तलिफ किस्म के जरे ना ये अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बड़े बड़े अफिसर से ते व्यूअर्स ये पुत्र हैं जेरे अपनी धरती का शहीद थे। तुसा जालमो सारे जेरे हे उन्होंने फोटोज की बेहरमती करें रहे हो, बस क्या आखा दिल खून के आंसू रोंद जेरा थी ना वाकया नौ मई आला दिल जे रहे ना कम पैदा एक दफा, क्योंकि जेरा मुल्क न मुहब्बत करें ना उन्होंने को पता होंगे बे आखिर तकलीफ के रही है, हर बंदे को तकलीफ का पता नहीं लगता। तो मामा थोड़े इस बारे के राय है पाकिस्तान के कौम वास्ते इना मुल्क वास्ते अपने खून खून दिता है जान की बाजी हर है हमेशा इंशाल्लाह जिंदा रह सकते क्योंकि शहीद जिंदा होंगे है। तो इन्हें बड़िया कुर्बानियां दी ने लास्ट नेक महफूज का जो फोटो खड़ा ना या ए लास्ट नेक महफूज की गल करें साढ़े 300 बंद को अपनी बंदूक न मार के ते बाद इसे को असला खत्म की गया तो ये इस जरा इसको ब्रेस्ट मारा इधर कमर कोल धड़ अलहदा थी गया तो बात भी इस जरा थोड़ी से ध्यान जी हाँ 20 लांसर का ही मैं मेरी यूनिट का ही है जी जी। तो इस जरा ना वन के तुम मुखालफ के गले गले दबाइस हाथ होते हैंडलिंग भी थे उठे उठे ठीक है उसमें मार के शहीद किया है।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੋਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਥਾਈ ਹੈ। ਵੀਵਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੋਰਸ ਹੈ। ਵੀਵਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, 50-50 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਰਹੇ ਥੁੱਕ ਦਿਖਾਣੇ। ਵੀਵਰ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਥੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂ ਮਾਹੌਲ ਆਓ ਜੀ। ਵੀਵਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਿਲੇਜ ਕਹੇ, ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਮੇ ਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਫੁੱਲ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਪਾਸ ਕੀ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੰਡਲ ਉਠਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਣਾ ਵੋ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਯੇ ਵਿਲੇਜ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਯੂੰ ਸਮਝੇ। तो वीवर इसके बारे में ये गंधारा है, गंधारा और ये हिंदुओं के मंदिर को बताया गया है, ये उनका साधु बाबा जो होता है उस टाइप का है, ठीक है। इसकी देखें पटली मटली रखी हुई है पानी की, वो उनका वो जो होता है उसको क्या कहते हैं यार, ये मंदिर है। तो ये हिंदू कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जी गंधारा आर्ट्स और आज से शुमाल मगरबी पाकिस्तान वादी पिशावर से दरिया काबिल और जेरी इलाकों से टैक्स लगा फैला हुआ है। ये व्यूअर्स मुकम्मल पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये भी व्यूअर मेरे ख्याल से मुगल सल्तनत के पहले के मंदिर हैं, उस दौर के मंदिर के को जो है ना मेंशन किया गया, या वही हैं उस टाइप जो जो मूर्तियां थी, ये हैं मेरे ख्याल से। और ये मेरे ख्याल से किसी मंदिर की वो घंटा है या वो, बाकी ये मम्मी टाइप बनी हुई है। तो ये उस दौर में मुग़ल दौर में या किसी बादशाह के दौर में जो लिबास होता था सैनिकों का, सिपाहियों का, जो है ये नेजा है हाथ में है, और वो जो क्या होती शील्ड है, प्रोटेक्ट शील्ड, और ये दूसरा सिपाही है, ठीक है। और एक के हाथ में कुल्हाड़ी है, एक के हाथ में तलवार। ये सिर्फ अनपारे हैं, और नीचे मेरी परी, ये कौन से ब्रह्म मेहरबानी शीशे नुमाइश के लिए एशिया को हार ना लगाए, ठीक है। तो ये अहल इस्लाम ये सब कंटेंट, ठीक है। बरसगीर में मुसलमानों की आमद, 711 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से बरसगीर, ये मोहम्मद बिन कासिम और उसकी ये जो लश्कर आया था उसके बारे में, उनके फन बारे। वीवर ये बरसगीर की मुस्लिम फतुहात है, ये बरसगीर 1900 तक रहा, और मुसलमान हुक्मरान अरब अजम तुर्क मंगोल बंगाल, ये सारा जो उनकी हिस्ट्री लिखी हुई, ये तस्वीरों में शो होते हैं। अब जो ये मुगलिया दौर, ये मुगलिया दौर जो है ना उसके बारे में बन पा रहे, तो मुगलिया दौर में मुगलिया दौर का आगाज़ 1526 और, ठीक है जी, ये मुकम्मल मैं बना रहा हूँ तक आप पढ़ लेना। ये देखिए ये बहुत सलामत, ये उसका सैनिक माशाल्लाह। ये मुगलिया दौर में जब दुल्हने बैठा करती थी ये बादशाहज़ादियाँ अपने रूम में, तो इस तरह पर्दादारी और निज़ाम होता था। ये साई है उस टाइम, फकीर
होते थे या साईं बाबा होते थे, वो अलग से बाबा एक कमरों में तिलावत किया करते थे, कुरान पाक पढ़ा है सामने, ये इबादत के लिए। ये फनकारे बरसगीर के मुगलिया दौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो दिखाने जा रहा हूँ ये वर्ष, ये पहले जंग आज़ादी है, सन 1857-58 की बात है, पहले जंग आज़ादी बरतानवी गुलामी से छुटकारा हासिल करने की पहली हिंदुस्तानी कोशिश थी। ठीक है जी, ये सारा तो माहौल ये रीड कर गए हैं पीछे। ये जी पहले ये तो सुने दे पे सामने अंग्रेज घोड़े ते चढ़ा खड़ा थे, एक उस टाइम दा मुसलमान हम जिन्हें हम अपने इसे दा आज़ादी की शुरुआत की थी, बगावत की पहले तो इन्होंने पैर करें। ये फनपारा जी मुगलिया दौर तो बाद अंग्रेज़ा जरा कब्जा किया तो अंग्रेज़ों को तरीके आज़ादी के बारे है सारा, अंग्रेज़ी हुक्मरान को छुटकारा हासिल कराना। तो ये जी फनपारा उस तान बनाया गया। हूँ अला जी सर सैयद अहमद खान दे बारे जी, ये उन्हों का वीवर जिमें कि जानते हो सर सैयद अहमद खान की 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के रद्द अमल ने दोबारा करार दिया, बरतानवी राज को महज मुसल्ला जदोजहद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बरसगीर जरा है ना सर सैयद अहमद खान की कहियाँ कुर्बानियाँ ये उन्होंने बारे फन पा रहा है, तो ये उन्होंने यो बना खड़ा किमें लोगों को अपने इसे तवज्जो करने ते अपने जी रहने नुमाइंदगी करने आवाम। ए जी इकबाल मस्जिद कुर्दबा में, ठीक है अभी आए अलामा इकबाल ने 1933 में मस्जिद कुर्दबा की ज़्यारत के लिए इस्पानिया का सफ़र किया। ए जी सामने फनपारा अलामा मोहम्मद इकबाल उन्होंने सफ़र ते वो मस्जिद का जो है ना जिक्र थिया करे ते मस्जिद का डिज़ाइन सामने। ए जी सामने ये अलामा मोहम्मद इकबाल बीबर ये जो कालीन ये जाय नमाज हुसैन जो कालीन अलामा मोहम्मद इकबाल दे ते ये उन्होंने अपनी वास्कट ये उन्होंने कोट ते उन्होंने फोटो तुम ले सकते पे हो, ये उन्होंने ये किसी टोपी है सिर वाली जी टोपी तो उन्होंने फोटो अक्सर मशहूर है, ये उन्होंने बुक है। ठीक है जी वीवर ये अलामा मोहम्मद इकबाल जी वो टेबल है जितना बह के वो जो है ना ये करें इन पॉट ये सियाही थे जा ते ये वो जूते हैं जी, ये वो पक्ख है इन्हों इस्तेमाल करें, एक कुर्सी ये हुक्का ते ये उन्होंने जेरे अशार इन लिखे हुए ये हादी तहरीर उन्होंने आंदी है जी। वीर बार ये सारे फन पारे पैन ये उन्होंने अशार लिखे पैन ये उन्होंने लाइब्रेरी की एक बुक वो आई बनी हुई जेरे चो अपनी किताबा रखते हैं जी। पास नाम अलामा मोहम्मद इकबाल सुनी बुक जरा है ना ये लिखा पे उन्होंने ये मुजस्मा बनाए तो उन्होंने यादगार तस्वीर कॉन्फ्रेंस रूम है जिरे बह के सारे जरे है ना अपना ये करें व्यूअर एक वो कॉन्फ्रेंस रूम है जेरे सारा आज़ादी दे जेरे उस टाइम दे जेरे है सारा जिक्र थींदा है, हो सकते उस टाइम पहले पार्लियामेंट दे हिस्से रही हो ओल्ड पार्लियामेंट और
ਵੀਵਰਸ ਹੁਣ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨੋ ਦਰਾਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ ਕਿਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦਾਰ ਇਤਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਰਾਦ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀਵਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਹ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਨੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਜਸਮਾ ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੁਰਤਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਗਵਾਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਵਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਹ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਨੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਜਸਮਾ ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੁਰਤਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਾ ਗਵਾਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ 1940 ਕਰਾਰਦਾਦ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜੋ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1940 ਯੇ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਤੋ ਵਿਵਰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਈ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੱਪ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰ ਐਸੇ ਫੋਕਸ ਕੀਆ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੋ ਵੀਵਰ ਇਹ ਹੈ ਗਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੌਰ ਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਦੌਰ ਕੀ ਥੀ ਇਸਕਾ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੇ ਦੇਖੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਕੀ ਜੋ ਘੋੜਾ ਜਿਸੇ ਹਮ ਬੱਗੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਦੋ ਘੋੜੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਇਨਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਫਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੇ ਸੀਨ ਹੈ ਵੀਵਰ ਜੇ ਵੋ ਗਾੜੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਲ ਰਾਇਸ ਹੈ ਇਹ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਵੋ ਵੀ ਰੋਲ ਰਾਇਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਮੁਝੇ ਇਨ ਗਾੜੀਆਂ ਕਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
तो इन गाड़ियों की तारीख लिखी है, क्या लिखी है मैं आपको बताता हूँ। ये मर्सिडीज बेंज पुलमैन एस 200, एक नादीदा जेब और मुनफरद कार है। यह उसका मुकम्मल डिटेल। गाड़ियों के एक बार आपको जूम लुक देता हूँ। ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में अभी तक हैं। कहते फन पा रहे हैं जी, लकड़ी का टेबल स्टडी वाला जी जूते। ये कहता शहीद सैयद अली गिलानी दे जी। ये फन पर जी सैयद अली गिलानी दे। व्यूअर्स, ये उस गाड़ी का फ्रंट लुक और साइड। इस गाड़ी का ये है जी बेटसन लिमोजीन मॉडल 1920, ठीक है। ये उसकी हिस्ट्री लिखी है और ये उसका सारा फ्रंट सस्पेंशन जी जी, ये 1920 मॉडल है। व्यूअर बहुत मज़ा है, मज़ा आ गया। इंशाल्लाह थोक मजीद ही आसी तो हूँ कि नहीं वेंदे पे कि वेंदे पे थोक मोल लिखे सू तो मोबाइल की थोड़ी जी मेमोरी फुल थी गई, वो मैं कट पट कर गिना तो इंशाल्लाह जहा बने व्लॉग दी। व्यूअर्स ये सेटअप देखें, इनका सेटअप क्या सेटअप बना हुआ, कमाल। अच्छे अच्छे प्रिंटर्स हैं, हाई क्वालिटी। व्यूअर जेरा थको हूँ मैं सीन ना दिखाव वाला, ये सीन टिकटॉक ते बहुत ज्यादा वायरल है। ये फैसल मास्क वाला देखो ना सामने, फैसल अब्बा वो फैसल मस्जिद इस दी पे सामने। ये स्ट्रीट इतनी मशहूर तरीन स्ट्रीट है, बहुत मशहूर है जी, मशहूर है। मैं करीबन की व्यू बने से दा ये बहुत चंगा मौसम है, बहुत मजेदार। हां व्यूअर असन जे रहना हुन में बहुत चंगा मौसम है बेटा, दामने को रस्ते दे सीन है ना ता ए दिखावन दे काबिल नहीं। इस गलू मैं आके बे रिकॉर्ड करा चा ता शायद थोक पसंद आवे ते टिकटॉक ही दे वीआईपी बन से। ओए हो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ओए हो यो दामने को ही है, ओए हो 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आओ? हाँ बिस्मिल्लाह करा। हेलो व्यूअर्स, ये देखें फैसल मस्जिद दिख रही है, ये इस्लामाबाद। ये रही फैसल मस्जिद, ये सेंटोरस। यहाँ नीचे बैठ के हमने खाना खाया जी। तो ये रहा बिजी रोड। व्यूअर अस पहुंचे हैं दामने को, ते इस वक्त मेरे मैं थोको सीन दिखा पी सामने फैसल मस्जिद दिसदी पई ते उस टूरस है ई मेन रोड है। हाँ सीन बहुत कुछ आल है। मैं मोबाइल
ਵੀਵਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੜਦਾ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਛਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਬੈਠੇ ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਪੁੱਜਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲ ਮਾਸਕ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀਵਰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਥਕਾਨ ਕਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਚਾਏ ਤੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਤੋ ਜਾਤੇ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਇਨਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗੀ ਸਨੈਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਅੱਜ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵੀਵਰ ਇਸ ਬੰਦਰ ਕੋ ਨਾ ਬਿਸਕਟ ਸਟੇ ਇਹ ਬਿਸਕਟ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਸ ਇਸਕੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ हमारे इलाके की पीरज प्याला का चौक है वो किरा चौधरी चौक तो इधर देखें डन 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 क्या व्यू है क्या सीन है व्यूअर आज सारा व्लॉग दे रहा है सीन 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 चेक करो जी माशाल्लाह असम पहुंचाए इस वक्त क्या है जी फैसल मस्जिद तो आपको सारा फैसल मस्जिद का सारा लुक दिखे सुन मुकम्मल डिटेल ये देते पे फैसल मस्जिद माशाल्लाह चैनल सब्सक्राइब करो चा ताकू इतने प्यारे प्यारे व्यूज दिखावन करना है स्पेशल व्यूवर्स व्यू चेक करें क्या हाल है जी इस्लामाबाद पहली दफा मेहमान नवाजी चंगी थी फैसल मस्जिद ਇਹ ਜੀ ਵਿਊ ਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਵੀਵਰ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪੀਏ ਪੂਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਵੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਟ ਗ੍ਰੇਨ ਵੀਵਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਇਹਦੇ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿਜੂਅਲ ਬੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਖੇ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਲ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਵੀਵਰਸ ये माहौल है।